हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। एज यू डन फर्स्ट फोर यूनिट्स ऑफ योर सिलेबस, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। सो आपके लास्ट फोर यूनिट्स में जो भी डाउट्स होंगे वो अभी आपने सब क्लियर कर लिए होंगे। अगर फिर भी रहते हैं तो स्टिल यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें जो है वो सरफेस केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री है वो है क्या। तो आपको सभी को पता है कि सरफेस का मतलब क्या होता है, कि एक सरफेस मतलब एक पोर्शन होता है जो किसी लिक्विड या किसी भी सॉलिड का या किसी भी अपर जो एरिया होता है वो आप सरफेस कहते हो। तो सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। यानी कि अगर सपोज करो कि आपने यहाँ पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिया हुआ है, इसको मैंने ऐसे डैश एरिया से ये दिस वन इज़ अ सॉलिड, ये आपका क्या है सॉलिड है, और ये आपने क्या लिया हुआ है लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है लिक्विड लिया है, और एक जो है यहाँ पे हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, और एक चीज़ हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है नीचे, और ये जो है नीचे जो है वो मेरे पास क्या है वाटर है, और ऊपर जो है वो मेरे पास क्या है ऑयल है। तो ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम होती है इसलिए वाटर के ऊपर रहेगा। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है सरफेस फिनोमिना के साथ। जैसे सॉलिड का ये सरफेस है तो इस सरफेस पे जो भी फिनोमिना है, या ये लिक्विड का सरफेस है तो इसके ऊपर जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, या फिर जो दो आपके इंटरफेस होते हैं, मतलब इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं उनके बीच की जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री से कि यहाँ पे अब नीचे वाटर है ऊपर क्या है ऑयल है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। तो इस इंटरफेस पे भी जो भी फिनोमिना हो रही हैं उसको जो है जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो जो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये जो इंटरफेस फिनोमिना होती हैं वो आपकी जो है सॉलिड की हो सकती हैं, लिक्विड के साथ भी हो सकती हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लिक्विड की हो सकती है या फिर आपका लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है। लेकिन हाँ, गैसेस का कोई भी इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज जो आपकी गैसेस होती हैं वो गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, वो गैसेस आपकी कम्प्लीटली जो है वो मिसिबल होती हैं। मिसिबल का मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। सो देयर इज़ द नो इंटरफेस इन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। इंटरफेस एग्जिस्ट करता है सॉलिड सॉलिड्स के बीच में, सॉलिड लिक्विड के बीच में, एंड लिक्विड लिक्विड्स के बीच में जो है वो जो आपका इंटरफेस होता है वो एग्जिस्ट वहाँ पे करता है। तो सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री में एक प्रोसेस करेंगे दैट इज़ द एडजॉर्प्शन। अब तक आप हमेशा पढ़ते आए हो एब्जॉर्प्शन, दिस वन इज़ न्यू टर्म फॉर यू एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। सबसे पहले अगर एडजॉर्प्शन की बात आती है तो इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस की प्रोसेस है जो सिर्फ सरफेस पे होती है, अंदर की बात नहीं होती है, कि जो आपका जो है ये सरफेस फिनोमिना है। ये कैसे फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और ए सॉलिड। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है ऐसे, या फिर आपके पास क्या है कोई भी लिक्विड कंटेनर है, तो किसी भी सब्सटेंस को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करना और वहाँ पे उसको रिटेन करके रखना, मतलब बना के रखना, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन। यानी कि द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और ए सॉलिड इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। कि अभी जिससे क्या होता है कि किसी भी सॉलिड हो गया आपके पास, या फिर सॉलिड के साथ साथ कोई भी क्या हो गया आपका लिक्विड हो गया, अगर हम सॉलिड के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं पहले वो अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहाँ पे रिटेन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वो क्या कर जाती है इंक्रीज़ करती है, और कहाँ इंक्रीज़ करती है सरफेस पे इंक्रीज़ करती है। सो यू कैन से एडजॉर्प्शन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एज ए रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ऑन द
सरफेस। ये चीज़ आपका एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। अब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में आपकी दो टर्म होती हैं, वन इज द एडजॉर्वेट एंड अदर इज द एडजॉर्वेंट। दो टर्म है, एक आपकी क्या होती है एडजॉर्वेट और एक होता है एडजॉर्वेंट। ये आपकी दोनों टर्म लाइक सिमिलर जैसे आप जो है करते हो उस तरीके से है कि सब्सटेंसेस जिसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं वो आपका क्या है एड्जॉर्बेट है, वो क्या है एड्जॉर्बेट है। और जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहे हैं दे आर नोन एज द एड्जॉर्बेंट। ओके, आपको समझ में आ गया, द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द एड्जॉर्बेट एंड द सब्सटेंसेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज द एड्जॉर्बेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस लिया है, सॉलिड सरफेस लिया है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं ये क्या हुए हैं एड्जॉर्ब हुए हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हुए हैं एड्जॉर्ब हुए हैं। तो ये जो आपका सॉलिड है, सॉलिड्स हैं और ये जो हैं आपकी क्या हैं गैसेस हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि एड्जॉर्वेट क्या है और एड्जॉर्वेंट क्या है। अब यहाँ पे आपका जो सॉलिड है जिसके सरफेस पे ये एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं एड्जॉर्बेंट कहते हैं। ओके, यानी कि जो आपका सॉलिड है वो सॉलिड आपका क्या है एड्जॉर्बेंट है और जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं ये जो गैसेस है इसका एड्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ है तो जो गैसेस होती हैं दैट इज़ द एड्जॉर्बेट, यानी कि द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेट एंड द सब्सटेंसेस इन विच एड्जॉर्प्शन अकर इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट, यानी कि जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है आपका एड्जॉर्बेंट है और जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो आपका क्या है एड्जॉर्बेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेन के साथ पेपर पे लिख रही हूँ तो एक्चुअल में है क्या यहाँ पे एक सरफेस फिनोमिना है कि जो आपका इंक है उस इंक का जो एड्जॉर्प्शन है वो पेपर के ऊपर हो रहा है। तो इस केस में जो आपका इंक है वो इंक आपका क्या हुआ एड्जॉर्बेट एंड जो यहाँ पे आप पेपर यूज़ कर रहे हो जिसके सरफेस पे आप लिख रहे हो इंक जहाँ पे एड्जॉर्ब हो रही है वो चीज़ आपका क्या है एड्जॉर्बेंट। तो इस तरीके से हम एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो है वो कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस में ऐसा होता है कि ये जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे सरफेस है इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है सरफेस है और इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो आके सिट कर रहे हैं ऐसे बैठ रहे हैं तो ये जो प्रोसेस हुई एक्चुअल में ये आपकी क्या हुई एड्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एड्जॉर्प्शन। इफ यही मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर बाहर जाने लग जाए तो ये क्या हो जाएगा एड्जॉर्प्शन का रिवर्स हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिसॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिसॉर्प्शन, यानी कि डिसॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस को छोड़कर बाहर जाते हैं। एंड ये प्रोसेस कब होती है जब आप क्या कर देते हो या तो सरफेस को हीट करना स्टार्ट कर देते हो या फिर उसके ऊपर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या कर देते हो डिक्रीज कर देते हो। दोनों तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस आपकी क्या होती है प्रोसीड होती है। नाउ वन न्यू टर्म, दैट टर्म इज नोन एज द ओक्लूजन। दिस टर्म इज नोन एज द ओक्लूजन। व्हाट इज द ओक्लूजन? ओक्लूजन इज अ प्रोसेस दैट इज द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। यहाँ पे हमने कोई मेटल लिया, आपकी मेटल आयरन हो सकती है, जिंक हो सकती है, कोई भी आप मेटल ले लो। ये यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे मेटल लिया। अगर जो आपका मेटल है उस मेटल के सरफेस पे गैसेस का एड्जॉर्प्शन होता है, मेटल के सरफेस पे किसका एड्जॉर्प्शन होता है गैसेस का एड्जॉर्प्शन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ओक्लूजन। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्जॉर्प्शन, दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है गैसेस की मेटल के सरफेस पे, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द ओक्लूजन। सो वी हैव डन नंबर ऑफ टर्म, वन इज द एड्जॉर्प्शन, सेकेंड इज द एड्जॉर्बेट, ओके थर्ड इज द एड्जॉर्बेंट, थर्ड मैंने क्या किया एड्जॉर्बेंट किया,
फोर्थ मैंने आपको बताया डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन जो होता है वो एडजॉर्प्शन का बिल्कुल क्या होता है आपका रिवर्स होता है। एंड जो फिफ्थ मैंने बताया आपको, फिफ्थ वन इज द ओक्लूजन। तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एडजॉर्प्शन क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सट्रेट ऑन इट्स सरफेस। एड्सॉर्बेट क्या है? जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं वो एड्सॉर्बेट है, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं दैट इज द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन की जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज द डिसॉर्प्शन। एंड ऑक्लूजन क्या है? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज द ऑक्लूजन। तो ये सारे टर्म्स आपकी जो है वो क्लियर हो गई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये हमने पढ़ा कि मेरे पास क्या हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रही है, लेकिन ये जो एड्सॉर्प्शन है इसका मैकेनिज्म कैसे, किस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर, इस कंटेनर को सपोज करो मैंने क्या किया, लिक्विड से फिल कर दिया, कोई भी लिक्विड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अब इस यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक जो मॉलिक्यूल है वो एंटीरियर साइड लिया, बल्क में लिया, और एक जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे लिया। मतलब ये चीज़ क्या है, ये तो आपका क्या है, इसका सरफेस है, और ये जो इनसाइड है इसको आप क्या कहते हो, बल्क कहते हो, या हम कह सकते हैं कि एंटीरियर साइड हमने जो है कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे लिया हुआ है, दैट्स इट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है एंड दूसरा मॉलिक्यूल क्या है आपका एंटीरियर साइड यानी कि इनसाइड प्रेजेंट है, तो जो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है सरफेस पे और जो एंटीरियर साइड पे एग्जिस्ट करती है, बोथ सिचुएशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अब दोनों सिचुएशन जो है कम्प्लीटली डिफरेंट कैसे हैं, तो अब आप देखो कि जो मॉलिक्यूल आपका एंटीरियर साइड्स में, एंटीरियर साइड में अगर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो सभी डायरेक्शन से क्या होंगी, इक्वल होंगी। एवरी डायरेक्शन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होंगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे होगा, बिल्कुल ऊपर टॉप पे जो होगा वो कैसा साउंड होगा, नीचे की साइड से तो लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के होंगे एंड अपर साइड से फ्यू मॉलिक्यूल जो होंगे गैसेस के होंगे। तो जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैसेस के मॉलिक्यूल तो कम होंगे और लिक्विड के क्या होंगे, आपके ज़्यादा होंगे। तो इस मॉलिक्यूल पे जो नेट इनवर्ड पुल होगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डाउनवर्ड होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो गैसेस की वजह से उस पर मॉलिक्यूल होगा। मतलब कि ये मॉलिक्यूल जो आपका सरफेस पे होगा, सरफेस वाला मॉलिक्यूल एक नेट इनवर्ड पुल क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इनवर्ड पुल का मतलब कि नीचे की तरफ वो खिंचा हुआ आएगा, जिसकी वजह से जो आपका ये सरफेस है इट बिहेव लाइक अ टेंस्ड मेम्ब्रेन। सरफेस कैसा बिहेव करेगा, लाइक ए टेंस मेम्ब्रेन, और वहाँ पे एक जो है फिनोमिना आपकी होती है सरफेस टेंशन, दैट सरफेस टेंशन क्रिएटेड ऑन द सरफेस। एंड इस इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे ही रहना क्या करेगा, प्रेफर करेगा, बिकॉज ये जो यहाँ पे आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती हैं ये क्या होती हैं, अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। दिस बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका मॉलिक्यूल है वो आपका कहाँ रहेगा, सरफेस पे ही रिटेन रहेगा। तो इस तरह से आपकी जो होती है वो आपकी जो है वो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे मैंने बताया कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास अनबैलेंस्ड जो है इनवर्ड पुल लगता है। अनबैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स क्या होती है, जो फोर्स जो होती है इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। अनबैलेंस का मतलब कि एक तरफ फोर्स ज़्यादा होगी दूसरा फोर्स कम होगी। तो सरफेस पे एग्जैक्टली यही कंडीशन होती है, नीचे की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ऊपर कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं तो कम होता है। यहाँ पे इसको अनबैलेंस इनवर्ड पुल कहते हैं। तो ये जो अनबैलेंस इनवर्ड पुल होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द रेजिडुअल फोर्स ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल, यानी कि अनबैलेंस का मतलब यहाँ पे आपका क्या करेगा, जो रेजिडुअल इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सरफेस पे क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे इसी की वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो सरफेस पे ही रहना जो है वो प्रेफर करता है, वो अंदर नहीं आता है। नाउ ये आपने मैकेनिज्म देख लिया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर ऑफ टाइम आता है, व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है,
एक्सो का मतलब आउटवर्ड साइड, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि आउट और एग्जिट करना, बाहर जाना, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से लगा लो, आइदर आप इसको क्या लगा लो, हीट लगा लो। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि वहाँ से हीट बाहर निकलेगी। तो जब भी आपकी एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस होती है, जो रेजिडुअल फोर्सेज होती हैं सरफेस पे, वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जब भी एडजॉर्प्शन आपकी होती है, जो सरफेस एनर्जी होती है, वो सरफेस एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये जो सरफेस एनर्जी आपकी डिक्रीज करती है, वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सरफेस एनर्जी कैसे अपीयर होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। एंड दिस हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो आपकी आएगी, इट शुड बी ऑलवेज नेगेटिव, ये आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। बिकॉज एक्सोथर्मिक में अगर कोई चीज़ हीट बाहर निकल रही है, तो वो चीज़ माइनस होती है, और वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इन दिस वे यू कैन से एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हम दो टर्म जो है लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन, एक मेरे पास है एडजॉर्प्शन जिसको आपने अभी डिटेल में करा हुआ है, एंड सेकेंड इज द एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी नॉट एडजॉर्प्शन, सेकेंड इज द एब्जॉर्प्शन। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी कि सपोज पर मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर दिया है, तो ये जो चीज़ होती है, ये इस चीज़ को जो बिल्कुल एक्सटर्नल साइड होगा दैट इज़ द सरफेस, और जो इंटीरियर साइड होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, बल्क बोलूँगी। जब भी आपको किसी भी चीज़ में कभी भी डिफरेंस करने के लिए आता है, आप हमेशा प्रेफर करो कि आपने जो डिफरेंस करना है, वो डिफरेंस आपने हमेशा टेबुलर फॉर्म में लाइन लगा के करना है। तो मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगी, इधर मैं आपको लिखती हूँ कि मैंने यहाँ पे लेना है एडजॉर्प्शन, और एग्जैक्टली डिफरेंस जो है वो कंपेरेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी की कुछ और डेफिनेशन बता रहे हो और किसी की कुछ और, मतलब कि एक तो ये है कि ये इसमें होता है और ये इसमें नहीं होता, ये पर्टिकुलर थिंग इसमें इस तरीके से प्रोसीड करती है और नेक्स्ट वाले इस तरीके से, बिल्कुल कंपेरेटिव बताना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं बताना है। तो जब भी हम करते हैं डिफरेंस, तो सबसे पहले जो उसकी डेफिनेशन होती है वो आती है, तो उसमें एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन में आप लिखोगे इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, बिकॉज ये सरफेस पे होती है, तो आप कह सकते हो कि जो एडजॉर्प्शन है ये एक सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है। एंड फर्स्ट डिफरेंस आप एब्जॉर्प्शन में करोगे तो आप कहोगे इट इज़ अ बल्क फिनोमिना, ये आपकी क्या है, बल्क की प्रोसेस जो अंदर होती है। बिकॉज मैंने आपको एडजॉर्प्शन तो बताया कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सपोज करो आपका कहीं वाटर गिरा हुआ है, पानी गिर गया है, और आप उसके ऊपर क्या रखते हो, कॉटन रखते हो, तो फटाफट जो कॉटन होती है उस वाटर को क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वो वाटर कम्प्लीटली उसके अंदर गया ना। तो इस तरीके से जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। सेकेंड यह है कि जब भी आपकी एडजॉर्प्शन होती है, जो कंसनट्रेशन होती है मॉलिक्यूल की, वो सरफेस पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है, इज हायर एट सरफेस, सरफेस पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क, मतलब जो आपका इनसाइड है उससे जो है बल्क की कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बिकॉज एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, ठीक है। लेकिन जो आपका एडजॉर्प्शन है, इसमें आपकी जो कंसनट्रेशन होती है, कंसनट्रेशन इज सेम, जो कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है आपकी, सेम होती है आपकी थ्रू आउट द मटेरियल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन में जो है वाटर कहीं पे ज़्यादा रहेगा या इंक कहीं पे ज़्यादा रहेगी, वो इक्वल हर जगह उसकी कंसनट्रेशन रहती है। थर्ड क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो बिल्कुल खाली होता है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं फटाफट आके इसके ऊपर सिट कर जाते हैं। इट मीन्स कह सकते हो कि जो रेट होता है, रेट का मतलब स्पीड होती है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन का जो आपका रेट होता है इज फास्ट एट बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आपका रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। एंड इस वाले केस में रेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
सेम चलता है, ऑल्दो क्योंकि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल का. अब एड्सॉर्प्शन का रेट फास्ट कैसे होता है, बिकॉज आप एक एम्प्टी लेक्चर रूम में जाते हो, तो जैसे एंटर करते हो फटाफट आपको जहाँ पे सीट मिलती है आप वहाँ पे बैठ जाते हो, है ना. तो मतलब एड्सॉर्प्शन का रेट क्या है, फास्ट है. आफ्टर दैट अगर लेक्चर रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से अवेलेबल हैं एंड आप एंटर करते हो काफ़ी टाइम बाद लेट, तो आपको जो है देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो स्पेस है एम्प्टी है और आप कहाँ पे सिट करोगे. तो जो सिटिंग का जो रेट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है. लाइक सिमिलर वे कि जब सरफेस बिल्कुल एम्प्टी है तो जो मॉलिक्यूल आपके एड्सॉर्बेंट के आते हैं सरफेस पे एड्सॉर्बेंट के, वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे फटाफट आके सिट कर जाते हैं. लेकिन आफ्टर डैट एक बार जब सरफेस पे बहुत सारे जो है वो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो उनको फिर लास्ट में जो वो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे मैं आपको एक नई टर्म बताऊंगी जिसको हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन. क्या कहते हैं, सॉर्प्शन. व्हाट इज़ द सॉर्प्शन, सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. यानी कि साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ. व्हेन आपकी जो आप एक बात करते हो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो आपकी बल्क फिनोमिना है, एंड सेकेंडली जो आप बात करते हो एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन जो एक सरफेस फिना है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ. तो जब वो आपका एक साथ होता है दोनों, तो उसको आप क्या कहते हो, सॉर्प्शन कहते हो. कि जब आपके नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो है एब्जॉर्प्शन भी हो रही है एंड एड्सॉर्प्शन भी हो रही है, दोनों प्रोसेस जो है वो आपकी साथ साथ चलती हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, सॉर्प्शन यहाँ पे कहते हो. तो अभी आपको मैंने जितने यहाँ पे टर्म्स कराए हैं, होप सो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे. तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, बिकॉज एट दिस टाइम मेनी मोस्ट स्टूडेंट्स आर अनइंटरेस्टेड फ्रॉम द स्टडी. तो दिस वीडियो आज आई थिंक वेरी हेल्पफुल फॉर देम, सो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच.